हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम जानेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 का फुल रिकैप एंड ब्रेकडाउन। इस वीडियो में जाने से पहले लेट मी सिंसियरली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ माय चैनल सपोर्टर्स, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अब मैं ये वीडियो पहले क्यों अपलोड नहीं कर पाया, उसके कई सारे रीजंस रहे हैं जिसमें मैं ज्यादा इस समय जाना नहीं चाहूंगा। उसके बारे में मैं इन डेप्थ अच्छे से बाद में आपको सभी रीजंस दे ही दूंगा। अभी के लिए हम चलते हैं सीधा हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 के फुल ब्रेकडाउन और रीकैप में। एपिसोड के शुरुआत में अपने सभी मेन कैरेक्टर्स लेना वेलेरियन के अंतिम संस्कार के लिए ड्रिफ्ट मार्क पर आए थे। यहां हमें एक एक करके सभी एलिसेंट के ग्रीन्स और रेनिरा के तरफ के ब्लैक्स के सभी कैरेक्टर्स हमें देखने मिलते हैं। यही पे कॉर्लिस वेलेरियन का छोटा भाई वेमोंड उसके मरे हुए भतीजे लेना के लिए वेलेरियन लैंग्वेज में कुछ श्रद्धांजलि देता होता है। ये सब चलते हमें यहाँ पे ऑटो हाई टावर भी देखने मिलता है और उसके कोट पर अब हैंड ऑफ द किंग का पिन है। मतलब अभी लॉर्ड लायनोल स्ट्रॉन्ग के मरने के बाद में विसेरिस ने ऑटो हाई टावर को वापस अपना हैंड बना दिया है। फिर यहीं पर वेमोंड श्रद्धांजलि देते देते बोलता है कि लेडी लेना की तो मौत हो गई, बट उसके दो ट्रू बॉर्न वेलेरियन डॉटर्स अभी भी जिंदा है और उन दोनों के बीच में वेलेरियंस का असली खून है। जैसे समुद्र के पानी में नमक होता है, वैसे ही वेलेरियंस मानते हैं कि उनके रगों में खून में भी एक तरह का नमक है। यहाँ पे वेमोंड ऐसी सब कुछ बातें वेलेरियन लैंग्वेज में करता है, बट ये असली वेलेरियन खून वाली बातें करते समय वेमोंड रेनिरा और उसके बेटे जसेरिस और ल्यूसेरिस को थोड़ा गुस्से में देखता है। वेमोंड के इस लुक से तो ऐसा ही लगता है मानो वो बिलीव ही नहीं करता कि जेस और ल्यूक के रगों में असली वेलेरियन का खून है। यहाँ पे वेमोंड ऐसी ही कुछ बातें करने लगता है और उसमें वो एक बार तो बोल देता है कि हम वेलेरियंस का खून गाढ़ा है, वो पतला नहीं है। ऐसे सब कुछ बातों के वजह से डेमोन अपने मरे हुए बीवी के अंतिम संस्कार में ही हंस देता है। लेना के अंतिम संस्कार के बाद में कुछ खाने पीने का एक छोटा सा स्मॉल टुगेदर रखा गया था और यहाँ पे हमें सभी कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप अच्छे से दिखाई देने लगता है। जब रेनिरा इस श्रद्धांजलि के बाद वाले फंक्शन में आती है तो उसे एलिसेंट और सर क्रिस्पिन कोल दूर से घूरते होते हैं। फिर यहाँ पे रेनिरा अपने बड़े बेटे जसेरिस के पास जाके उसे समझाती है कि रेना और बेला से जाके तुम्हें थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे उनका सहारा बनना चाहिए क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है। सो जेस रेना और बेला से बात करने जाता है तो बेला उसका हाथ पकड़ती है, विच मीन्स अभी उनके बीच में थोड़ी सी अच्छी दोस्ती और एक अच्छा कनेक्शन होने लगा है। देन दूसरी तरफ सर लैरी स्ट्रॉन्ग तो दूर से ही क्वीन एलिसेंट को ताड़ रहा था। सर क्रिस्टन कोल को भी ये बात बराबर से पता चलती है और वो एलिसेंट को जाके सब बताता भी है कि लैरिस आपको दूर से घूरे जा रहा है, बट एलिसेंट बोलती है इट्स ओके सर क्रिस्टन, घूरने दो उसे, वो नया लॉर्ड ऑफ हेरनहेल बना है इसीलिए वो थोड़ा आज उछल रहा है, सो लेट हिम बी। देन इसी में हमें पता चलता है कि एलिसेंट और विसेरिस के सबसे बड़े बेटे एगोन और उनके बेटी हेलेना की शादी तय की गई है, जिससे एगोन बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट उसका छोटा भाई एमोंड उसे समझाता है कि टारगेरियन ब्लडलाइन प्योर रखने के लिए तुम्हारी और हेलेना की शादी करवाई गई है। एमोंड एगोन को बताता है कि ये शादी मतलब तुम्हारी ड्यूटी है और उसे तुम्हें अच्छे से निभाना चाहिए। वाइज एमोंड और स्टूपिड एगोन की ये बातें देखकर तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि एगोन बड़ा भाई होके भी एकदम केयरलेस है और उसे किसी की कुछ नहीं पड़ी, बट दूसरी तरफ एमोंड मतलब एकदम सीरियस बंदा है जो जिम्मेदारियों को समझता है। देन फिर अगले एक सीन में दादाजी कॉर्लिस वेलेरियन छोटे ल्यूसेरिस को समझाते हैं कि हाई टाइड की सीट फ्यूचर में उसकी होने वाली है, तो छोटा ल्यूसेरिस कहता है कि उसे लॉर्ड ऑफ टाइड्स नहीं बनना क्योंकि उसे तभी तख्त मिलेगा जब उसके दादाजी कॉर्लिस वेलेरियन मर जाएंगे। सो सब मरने के बाद में मिलने वाले ऐसे तख्त का मैं क्या करूंगा। अपने पोते की ये डीप थिंकिंग सुन के इवन लॉर्ड कॉर्लिस भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे सब जगह पे अलग अलग कोई ना कोई सीन्स शुरू थे, बट इन
सभी में लेना के मरने का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ था तो वो था उसका छोटा भाई लेनोर वेलेरियन, जो अपने बहना के मौत से पूरा टूट गया था और अकेले ही वाइन पी के रोए जा रहा था। उसका ये हाल देख के कॉर्लिस गुस्से में पूरे सबके सामने लेनोर के फ्रेंड या कहूँ बॉयफ्रेंड कार्ल कॉरी को बोलता है कि जाके लेनोर को संभालो और उसे यहाँ पे घसीट के लेके आओ। तो अभी ये सब चलते समय रेनिरा और डेमोन कैसे दूर रहेंगे? उन दोनों के बीच में भी दूर से ही आंख मिचोली शुरू थी। After all, वो दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को चाहते आए थे। अब डेमोन की पत्नी मरी और रेनिरा का लवर हार्विन भी मरा है, सो उनके रियूनियन का ये एक परफेक्ट अवसर था। बट रेनिरा फिर भी डायरेक्टली डेमोन से जाके बात नहीं करती, क्योंकि सब लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। रेनिरा के पहले किंग विसेरिस ही अपने छोटे भाई डेमोन से जाके मिलता है और वो उसे कहता है कि अभी वक्त आ गया है कि डेमोन को अभी वापस किंग्स लैंडिंग आना चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन को रेनिरा दूर से ही देखती होती है। किंग विसेरिस अपने छोटे भाई डेमोन को बोलता है कि हमारे बीच में सालों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चले आए, बट उन सभी चीजों को अभी भूल कर तुम्हें घर को लौट आना चाहिए, सो प्लीज तुम रेड कीप में वापस आ जाओ। बट डेमोन तो हमेशा के तरह अपना थोड़ा सा ईगो दिखाकर विसेरिस को बोलता है कि उसे राजा के सहारे की जरूरत नहीं। डेमोन ऐसा कह के वहां से गुस्से से निकल जाता है और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने दुश्मन ऑटो से। यहां पे ऑटो डेमोन को बोलता है कि डेमोन तुम्हारी बीवी मर गई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। तब डेमोन एक ताबड़तोड़ डायलॉग ठोकता है, No matter how fat the leech grows, it always wants another meal. So, ये तगड़ा डायलॉग मतलब डेमोन का एक करारा ताना था। जैसे एक लीच कितना भी खून चूस ले वो और खून चूसना चाहती है, वैसे ही ऑटो को कितनी भी पावर मिले उसे और पावर चाहिए होती है। डेमोन ने यहाँ पे एक तरीके से ऑटो को लीच कहा। जैसे लीच किसी के शरीर पे चिपक के खून चूसती है, वैसे ही ये ऑटो सालों से टारगेरियंस पे चिपक कर उनसे पावर चूसने की कोशिश कर रहा है। सो ये एक बहुत ही अच्छा डायलॉग रहा। देन ऐसे ही शाम होने लगती है और सभी लोग अपने अपने रूम में जाने के लिए निकलते हैं। तब यहीं पर बूढ़े किंग विसेरिस रूम में जाते जाते एलिसेंट को गलती से एमा बोलते हैं। Go to bed, Emma. वो गलती से एलिसेंट को गुड नाइट एमा करके बोलते हैं। मतलब राजा विसेरिस को अभी भी उनके असली प्यार एमा की बहुत याद सताती है। उन्होंने एलिसेंट के साथ में सालों पहले शादी तो की थी, बट उनका असली प्यार तो हमेशा से ही एमा रहा था, और मे बी इसीलिए वो रेनिरा को भी इतना चाहते हैं। आफ्टर ऑल रेनिरा उनके असली प्यार एमा की जो बेटी है, उनकी फर्स्ट बॉर्न संतान है। इसी में दूसरे तरफ शाम होते होते एगोन वाइन पी के एकदम टल्ली होके यहाँ पे पड़ा हुआ था। तब सर ऑटो हाईटावर उसे संभालते हैं और उसे रूम में भगा देते हैं। तभी यहाँ पर एमोंड देखता है कि किसी का भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है और ये देख के वो भाई साहब निकलता है वेगार के तरफ, और वैसे ही रेनिरा निकलती है डेमोन के पीछे। इसके बाद में अगले सीन में हम ड्रिफ्ट मार्क के कैसल में पहुंचते हैं, जहां पर उस रात रेनिस और कॉर्लिस अपने रूम में एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें रेनिस कॉर्लिस को बोलती है कि हमारी बेटी अभी लेना मर गई है, बट तुम्हारी कभी भी एम्बिशन खत्म ही नहीं होती, तुम्हें हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। रेनिस के मुताबिक उसने खुद आयरन थ्रोन के पावर का अभी पीछा करना छोड़ दिया। सालों पहले रेनिस क्वीन ऑफ सेवन किंगडम्स बननी चाहिए थी और वो नहीं बनी, बट ये सभी चीजें अभी इतने सालों के बाद उसने सब भुला दी है। बट
इन सब के बावजूद कॉर्लिस वेलेरियन को तो अभी भी आयन थ्रोन का पीछा ही करना है। अब कॉर्लिस खुद तो आयन थ्रोन पे बैठ नहीं सकता, बट वो चाहता है कि उसके आने वाले जनरेशंस के पास में आयन थ्रोन की ताकत चली आए। ऐसे चीजों के कारण ही रेनी सभी कॉर्लिस से बहुत इरिटेट हो चुकी है। बट देन कॉर्लिस यहाँ पे एक बहुत ही ताबड़तोड़ डायलॉग मारता है। What is this brief mortal life? If not the pursuit of legacy. कॉर्लिस यहाँ पे रेनिस को समझाता है कि हम इंसानों की जिंदगी माने बस एक लेगेसी, यानी कि नाम और शोहरत की एक परस्यूट होती है। हम इंसान तो बस अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, इसका ही एक तरीके से पीछा करते होते हैं। वो कहता है लाइफ इज अ परस्यूट ऑफ अ लेगेसी, बट इसके जवाब में उसे रेनिस बोलती है कि वो जो भी हो, मैं चाहती कि तुम लेना के बेटी बेला को ड्रिफ्टमार्क के तख्त का वारिस बना दो, क्योंकि उसके रगों में असली वेलेरियन खून है। मतलब वो यहां पे क्लियरली सजेस्ट करती है कि उनके बेटे लेनोर के जो बच्चे हैं, यानी कि जसेरिस, लुसेरिस और जॉफरी बास्टर्ड्स हैं, और उनका असली बाप तो सर हार्विन स्ट्रॉन्ग है। सो उनके रगों में वेलेरियन का खून ही नहीं है, उनके रोगों में तो खून स्ट्रॉन्ग्स और टारगेरियंस का हुआ। सो ऐसे बास्टर्ड ल्यूसेरिस वेलेरियन को हम वेलेरियन का हाई टाइड का तख्त क्यों दे? उससे अच्छा तो हम हमारे बेटी लेना के बेटी बेला को ही हाई टाइड का वारिस बनाते हैं, जिसमें एटलीस्ट असली वेलेरियन ब्लड है जो हमारे बेटी लेना से उन्हें मिला है। ऐसी सब बातें यहाँ पे रेनिस कॉर्लिस को बताती है और कॉर्लिस थोड़ा सा शॉक्ड होता है। बट देन कॉर्लिस रेनिस की ये सब कुछ बकवास सीधा मना करता है। वो कहता है कि इतिहास में कोई भी ब्लड नहीं देखता, इतिहास के पन्नों में तो सिर्फ नाम याद किया जाता है। सो कॉर्लिस के मुताबिक जेसेरिस, ल्यूसेरिस और जॉफरी लेनोर के बेटे ना सही, बट उनके नाम इतिहास में हमेशा जेसेरिस वेलेरियन, ल्यूसेरिस वेलेरियन और जॉफरी वेलेरियन से ही याद किए जाएंगे। सो इसीलिए मैं उन तीनों छोटे बच्चों का अधिकार नहीं छीनूंगा। इस तरीके से बैड एस कॉर्लिस वेलेरियन एक तरीके से रेनिरा और उसके तीनों बेटों को सपोर्ट देते हुए वहां से निकलता है। फिर हम पहुंचते हैं रेनिरा और डेमोन के एक नाइट बीच डेट के यहां पर। दोनों पुराने लवर्स यहां पे थोड़ा सा रिकनेक्ट होते हैं और पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया वो सब डिस्कस करने लगते हैं। रेनिरा यहां पे कहती है कि डेमोन ने उसे किंग्स लैंडिंग में अकेला छोड़ के वो चला गया था। सीधा स्माइल करके एक्सेप्ट करती है कि सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के साथ में उसने हमेशा ही संबंध रखे थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो यहां पे डेमोन को बताती है कि सर हार्विन स्ट्रॉन्ग इतने सालों से उसके लिए बहुत ही लॉयल रहे थे। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती है कि उसने और लेनोर ने भी बच्चा पाने की बहुत कोशिश की थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। रेनिरा यहां पे बोलती है कि उसे सर हार्विन को हेरेनहेल में वापस जाने ही नहीं देना चाहिए था, उसे उनके मौत का बहुत दुख हुआ। वो कहती है कि हेरेन द ब्लैक का शाप अभी भी हेरेनहेल में बहुत पावरफुल है और उसी के कारण हार्विन और लायनल स्ट्रॉन्ग वहां पे जिंदा जला के मारे गए थे। Heron's curse is said to be as strong now as it was after the conquest. अब ये हेरेन्स कर्स यानी कि हेरेन का शाप क्या है? अब जिन्होंने भी मेरे एगोन्स कॉन्क्वेस्ट स्टोरी के चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो किया है उन्हें तो ये हेरेन्स कर्स पता ही होगा, बट फिर भी मैं इस वीडियो में बता ही देता हूँ। सो हेरेनहेल के मैसिव कैसल को हेरेन होआरे यानी कि हेरेन द ब्लैक ने बनवाया था। जब एगोन द कॉन्करर ने हेरेनहेल पे अटैक किया था और हेरेन को सरेंडर करने कहा, तब हेरेन होआरे ने एगोन द ड्रैगन को भली बुरी बातें कहकर अपने कैसल में से भगा दिया और वो खुद अपने हेरेनहेल के कैसल में जाके छुप गया। बट देन फिर एगोन ने बलेरियन पे बैठ के भयानक बर्निंग ऑफ हेरेनहेल का तहलका मचाया और हेरेन द ब्लैक के लिटरली पूरे हाउस होआरे के वंश को उन्हीं के कैसल हेरेनहेल में जलाकर मार दिया। इस अग्नि तांडव के बाद में रिवरलैंड्स के स्मॉल फोक वहां पे कहने लगे थे कि मरते
मरते आखिरी सांसें लेते समय हैरन ने इस कैसल को एक भयानक शाप दिया। कहते हैं कि हैरन ने मरते मरते कर्स किया था कि ये जो कैसल मैंने बनाया वो मेरा नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं होगा। मेरी फैमिली को जिस तरह से जला के मारा गया वैसे ही यहाँ पे जो भी परिवार रहने आएंगे उनको भी वैसे ही दर्दनाक मौत मिलेगी। रिवरलैंड्स के स्मॉल फोक मानते हैं कि हैरन द ब्लैक ने ऐसा कुछ भयानक कर्स हैरनहेल में दिया था और उसके कारण ही जो भी हाउस इस हैरनहेल के कैसल में रहने आता है उनका पूरा वंश मारा जाता है। सो इसीलिए जब हाउस स्ट्रॉन्ग के हार्विन और लाइनल स्ट्रॉन्ग इस कैसल में जल के मरते हैं तब किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि ये काम कमीने लैरी स्ट्रॉन्ग ने किया होगा। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसे अग्नि तांडव के पीछे किसी की साजिश होगी। पूरे वेस्टरोस के स्मॉल फोक तो ऐसी ही बातें करते हैं कि हैरन्स के कर्स के वजह से ही हार्विन और लाइनल स्ट्रॉन्ग उनके ही कैसल में मर गए। सो इसीलिए इवन रेनीरा भी यहाँ पे कहती है कि हैरन के कर्स के कारण ही हैरनहाल में आग लगी होगी और हार्विन स्ट्रॉन्ग मारा गया। बट देन तभी डेमोन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ बकवास है और एक घोष स्टोरी है जिस पे वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। उसके मुताबिक इस घोष स्टोरी यानी कि अफवाहों का ऑटो और एलिसेंट ने मे भी फायदा उठाया रहेगा। देन फिर ऐसे ही कुछ बातों के बाद में रेनीरा और डेमोन थोड़े से एक दूसरे के करीब आते हैं और वो फाइनली एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं और वो वहीं पर बीच पे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट अप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ एंटायर शो एंड दैट इज एमोंड का वेगार शी ड्रैगन के साथ में कनेक्शन। अब ये पूरा सीन वैसे तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं। एमोंड यहाँ पे छुपके से वेगार शी ड्रैगन के नजदीक पहुंचता है और वो उससे बिल्कुल नहीं डरता जिसके कारण वेगार उसे नहीं मारती। वेगार यहाँ पे इतनी ह्यूज होती है कि एमोंड को लिटरली उसके ऊपर एक सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। So eventually यहाँ पे एमोंड वेगार को जीत लेता है और उनका फर्स्ट फ्लाइट बहुत ही मस्त रहा था। बट ये सब फ्लाइट चलते चलते बेला और रेना को खबर लगती है कि वेगार यहाँ पे आसमान में अभी उड़ने लगी है और उस पे कोई तो सवारी करने लग गया है। दोनों बेला और रेना जसेरिस और ल्यूसेरिस के रूम में जाके उन दोनों को नींद में से उठाती है। इवेंचुअली एमोंड वेगार को लैंड करता है और एकदम स्वैग में मस्त अपने कमरे में सोने के लिए निकलता है। बट तभी बेला, रेना, जेस और ल्यूक ये चारों एमोंड के सामने आते हैं। बेला यहाँ पे एमोंड को गुस्से में कहती है कि उसे वेगार ड्रैगन मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो ड्रैगन उसके माँ लेना की थी। बट एमोंड यहाँ पे एकदम स्वैग में बोलता है कि अगर तुम्हें वेगार चाहिए थी तो तुम्हें उसे जाके लेना चाहिए था, बट अब तो मैंने वेगार को हासिल कर लिया है तो वेगार अब मेरी है। फिर क्या है, तभी यहाँ पर इन बच्चों में ही हाथापाई शुरू होती है और तब एमोंड ल्यूक और जेस को लॉर्ड स्ट्रॉन्ग के बास्टर्ड्स कह के उन पे सीधा पत्थर से हमला करने निकलता है। बास्टर्ड्स वो स्ट्रॉन्ग तब अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में ल्यूक जो करता है वो तो बहुत ही भयंकर चीज होती है। सो यहाँ पर ल्यूक ने एक खंजर से एमोंड की एक आंख ही फोड़ दी। पहली बार दोनों राइवल्स के बीच में खून बहा था। कुछ ही टाइम के बाद में इस हॉरिबल इंसिडेंट को लेके ड्रिफ्ट मार्क के दरबार में मीटिंग होती है और एलिसेंट सीधा डिमांड करती है कि मेरे बेटे ने उसकी आंख गवाई तो अभी वैसे ही ल्यूसेरिस की भी आंख फोड़ दो। अब इसके जवाब में रेनीरा बोलती है कि उसके बेटे ल्यूसेरिस ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस
उसने वैसा किया था। मेरा बेटा जसेरिस होने वाला आयरन थ्रोन का वारिस है और उसे एमोन ने बास्टर्ड कहा। सो वो एक बहुत बड़ा ट्रीजन है, वो एक बहुत बड़ी गद्दारी है। ऐसा यहाँ पर रेनिरा अपने पिता और राजा विसेरिस को बताती है। रेनिरा बोलती है कि एमोन ने मेरे बेटों को बास्टर्ड्स क्यों कहा, ये उसे पूछो। उसने ये सब बकवास कहाँ पे सुनी, इसके बारे में कड़ी पूछताछ की जाए। सो किंग विसेरिस एमोन को डरा के पूछता है कि उसने जसेरिस और ल्यूसेरिस बास्टर्ड्स है, ऐसी सब बकवास कहाँ पे सुनी। तो एमोन यहाँ पे अपने माँ का नाम नहीं लेता, बल्कि वो अपने बड़े भाई एगोन का नाम बताता है। फिर किंग विसेरिस एगोन को जाके पूछता है कि तुमने ये बकवास कहाँ सुनी। तो एगोन बस कहता है कि पापा उन्हें जरा देखो तो सही, वो कैसे दिखते हैं। मतलब उसने सीधा इंडिकेट किया कि जसेरिस और ल्यूसेरिस के बाल काले हैं और वो बिल्कुल भी टारगेरियंस के तरह नहीं दिखते हैं। सो मतलब वो जरूर बास्टर्ड्स होंगे। तब ये सुन के ओल्ड किंग वेसेरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को इतला करता है कि जसेरिस और ल्यूसेरिस रेनिरा और लेनोर के ही बेटे हैं और आयरन थ्रोन का असली वारिस फ्यूचर में जसेरिस ही होगा। इसके बाद में जो भी रेनिरा के बेटों को बास्टर्ड्स कहेगा उनकी जबान काट दी जाएगी। ऐसा वो सबको इस मीटिंग में वार्न करता है और वो वहां से निकलने लगता है। बट एलिसेंट को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अभी भी ल्यूक की आंख फोड़नी थी क्योंकि उसके बेटे एमोंड की आंख फोड़ी गई थी। सो वो बिना सोचे समझे सीधा राजा विसेरिस का खंजर चुरा के ल्यूक पे अटैक करने निकलती है, बट रेनिरा उसे वहां पे रोकती है। तब एलिसेंट रेनिरा को बोलने लगती है कि मैंने सालों से अपनी ड्यूटी निभाई, मैंने जिंदगी भर सैक्रिफाइसेस किए और तुमने तो बस मजे किए। आज वापस मेरे बेटे के साथ यहां पे नाइंसाफी हो गई, उसने लिटरली एक आंख गवाई, बट फिर भी आज तुम्हारे पैरों तले अच्छाई को कुचला गया है। ऐसी कुछ वाहियात बातें यहां पे एलिसेंट रेनिरा को बोलती है। एलिसेंट के ऐसे अजीब से तेवर के खिलाफ रेनिरा बस इतना ही कहती है कि इतने साल भोली भाली एकदम सभ्य रानी बन के घूमना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट गया होगा, राइट? क्योंकि आज फाइनली सब ने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। यानी कि रेनिरा को कहना था कि ये जो एलिसेंट का एग्रेसिव अटैक करने वाला अवतार है वही वो उसका असली रूप है जो वो इतने सालों से छुपा रही थी। दैट मींस रेनिरा का कहना था कि एलिसेंट हमेशा से ही एक कमीनी औरत रही थी, बट अच्छाई के पर्दे के पीछे वो छुप रही थी। Hiding beneath the cloak of your own righteousness. But now they see. ये सब होने के बाद में एलिसेंट तभी गुस्से में पीछे हटती है, बट उसका खंजर रेनिरा के हाथ पे जोर से लगता है। सो मतलब अभी यहाँ पर ब्लैक्स के साइड का भी पहली बार खून बहा था। ये सब चलते एमोंड वहाँ पे एक बैडएस डायलॉग मारते हुए कहता है, माँ मेरे लिए दुखी मत होना, इट वॉज अ फेयर एक्सचेंज। मैंने अपनी एक आंख गवाई बट मैंने ड्रैगन को हासिल किया। सो इसी के साथ साथ अभी ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई है। फिर अगले दिन सुबह रेनिरा के हाथों पे मेस्टर स्टीचेस लगाता होता है और तभी वहां पर लेनोर आता है। लेनोर और रेनिरा के कॉन्वर्सेशन में लेनोर कहता है कि वो अभी रेनिरा को हमेशा सपोर्ट करेगा और उसका अच्छा हस्बैंड बनके सभी जिम्मेदारियां बराबर से निभाएगा। बट ये सब सुन के रेनिरा एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे अभी लेनोर उसके जिंदगी में वो नहीं चाहती थी, क्योंकि डेमोन जो अभी वापस आ गया है। उसी दिन दोपहर के बाद में किंग विसेरिस का पूरा ताफा वापस किंग्स लैंडिंग
बिल्डिंग के ओर निकल जाता है और रेनिरा और डेमोन का कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है। रेनिरा यहाँ पे कहती है कि फायर इज अ पावर और ड्रैगन्स टारगेरियंस की ताकत है। ऐसी कुछ छोटी मोटे कॉन्वर्सेशन के बाद में रेनिरा यहाँ पे सीधा डेमोन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, बट डेमोन उसे समझाता है कि जब तक ग्लेनोर जिंदा है तब तक वो दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि लेनोर उसका हस्बैंड है। लेनोर के जिंदा रहते डेमोन और रेनिरा शादी कैसे करेंगे, सो इसीलिए वो दोनों लेनोर को मरवाने का प्लान करते हैं। डेमोन हुडी पहन के लेनोर के बॉयफ्रेंड कार्ल कोरी को ढेर सारे पैसे ऑफर करता है और एसोस में जाने के लिए कहता है, जिसके बदले में उसे लेनोर को मारना पड़ेगा। सो अगले ही सीन में लेनोर और कार्ल कोरी के बीच में एक फाइट होती है और बस कुछ ही मिनटों के बाद में जब वेलेरियन फैमिली वहां पे आती है तब उन्हें वहां पे लेनोर की लाश मिलती है। बट क्या वो लेनोर था? तो ऑब्वियसली नॉट। एक्चुअली इस फाइट के पहले डेमोन ने किसी ड्रिफ्ट मार्क के नौकर की नेक ब्रेक करके उसका कत्ल कर दिया और इस शॉट में उस मरे हुए नौकर के जूते देखिए, ये कुछ ब्राउन कलर के जूते थे और जब रेनिस और कॉर्लिस को लाश मिलती है तब उस लाश के जूते भी ऐसे ही ब्राउन कलर के थे। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि मानो डेमोन, रेनिरा और इवन लेनोर ने मिलके एक प्लान बनाया जिसमें लेनोर को फेक डेथ दी गई। यहाँ पे ड्रिफ्ट मार्क पे काम करने वाले एक ऐसे नौकर को मारा गया जो लगभग लेनोर के हाइट का हो और थोड़ी बहुत उसकी बॉडी लेनोर से मैच करती हो, तो इस नौकर को डेमोन मारता है और उस नौकर की लाश आग में फेंकी जाती है और असली लेनोर अपने बॉयफ्रेंड कार्ल कोरी के साथ में मस्त भाग जाता है। लेनोर भागते समय अपने पूरे व्हाइट बाल काट देता है क्योंकि व्हाइट बाल यानी कि वेलेरियन या तो टारगेरियन है, ये तो ऐसे पूरे नोन वर्ल्ड में पता होता है। सो उसे कोई पहचान ना जाए इसीलिए वो पूरा टकलू बन के वहां से निकल जाता है। एपिसोड के एंड में रेनिरा और डेमोन फाइनली शादी करते हैं और ये शादी पुराने वेलेरियन रिवाजों के साथ की जाती है जिसमें एक ब्लड बॉन्ड होता है और ऐसी शादी बहुत पवित्र मानी जाती है। सो गाइज, ये था एपिसोड 7 ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू गाइज, आई एम बैक। अब से वापस पॉप कल्चर पंडित पे रेगुलर वीडियोज आने लगने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक।